आज हम मूंगफली से एक नई रेसिपी बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए लिए हैं 2 कटोरी मूंगफली, 1 कटोरी चीनी और मिल्क पाउडर 1/2 कटोरी। मूंगफली की मिठाई बनाने के लिए एक पैन लिया है, इसको गैस पर गर्म करेंगे और मूंगफली को इसमें धीमी गैस पर इसको हल्का हल्का रोस्ट करेंगे, धीमी गैस पर हल्का हल्का रोस्ट करेंगे। इसको इतना रोस्ट करेंगे कि इसका छिलका निकलने लगे। छिलका निकालने तक ही रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे। देखिए हमारा मूंगफली रोस्ट हो चुका है, कलर चेंज हो चुका है इसका। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, इस प्लेट में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसका छिलका निकाल लेंगे। इस तरह से मूंगफली को ठंडा करके इसका छिलका सारा निकाल लिए हैं। अब इसको एक मिक्सी जार में, सूखा हुआ होना चाहिए मिक्सी जार, इसमें डालकर इसको पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा चलाना नहीं है, धीरे धीरे चलाकर पीसना है, नहीं तो मूंगफली तेल छोड़ने लगेगा। अब हम इसको पीस लेंगे। इस तरह से इसको पीस लिए हैं। अब इसको हम छान लेंगे। अब हम इसको छान लेंगे, आटे छानने वाले छन्नी से इसको छान लेंगे। ये अभी मोटा रह गया है, इसको अभी और पीस लेंगे। ये इतना नहीं छना रहा है, इसको थोड़ा एक दो बार और चला लेंगे मिक्सी में। इस तरह से इसको छान लेंगे अच्छे से, एकदम इतना ना पतला होना चाहिए। इसको छान कर ले लिए हैं। अब इसमें इलायची डालेंगे, 3 इलायची कूट कर लिए हैं। और इसमें 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर लिए हैं। इन सबको मिक्स कर देंगे इस तरह से। अब हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाए हैं और 1 कटोरी चीनी लिए हैं, उसमें 1/2 कटोरी पानी डालेंगे और इसको पका लेंगे। चीनी को हल्का तार आंधी पर पका लेंगे। देखिए इतना ही चीनी को पकाना है, ये हल्का 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 ऐसा तार आना चाहिए, इतना ही चीनी को पकाएंगे। अब हम इसमें गैस को धीरे कर देंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये मूंगफली का पाउडर डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको इस तरह से। हम इसको धीरे धीरे मिक्स कर देंगे। इस तरह से ऐसे मिक्स करते हुए इसको पका लेंगे।
इस तरह से गाढ़ा होने के बाद गैस अब बंद कर देंगे और थोड़ी देर ठंडा होने के लिए देंगे। इसको इस तरह से ढक कर रख देंगे, 15 से 20 मिनट तक इसको ठंडा होने देंगे। 15 मिनट हो गया है, ये थोड़ा ठंडा हो गया है। इसमें हम एक चम्मच घी मिलाएंगे। इसको इस तरह से मिला देंगे। इसको स्मूथ बनाने के लिए किसी चीज के साथ इस तरह से मैश देंगे। इस तरह से 5-7 मिनट तक इसको मसना है। 3-4 मिनट मसलने के बाद ये ऐसा हो गया है। अब इसको हाथ में थोड़ा सा घी लगाकर इसको अच्छे से इस तरह से करके इस तरह एक प्लेट में निकालकर इसका इस तरह से कर देंगे बराबर। इसको इस तरह से हल्का बेल लेंगे। इसको इस तरह से मिला लेंगे अच्छे से। अब इसको 1 घंटा तक सेट होने के लिए रहने देंगे, रूम टेम्परेचर पर ही सेट होने देंगे, फ्रिज में नहीं रखेंगे इसको। 1 घंटा हो गया है, ये हमारा सेट हो गया है। अब हम इसको काट लेते हैं बर्फी की तरह। इस तरह से काट लिए हैं, देखिए कितना सुंदर मिठाई बना है। ये हमारा इसको बादाम से इस तरह से मैरिनेट कर देंगे। कितना बादाम रख देंगे इस तरह से, कितना सुंदर लग रहा है। देखिए हमारा मिठाई कितना अच्छा बना है, देखिए कितना स्मूथ, कितना अच्छा है।